पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे एक जज वल्लों पंजाब नाल संबंधित बहुचर्चित नशा मामले बारे विशेष जांच कमेटी दी रिपोर्ट तो खुद नूं वक कर लैण कारण आम आदमी पार्टी पंजाब ने इस मामले नूं एक होर हाई कोर्ट विच तब्दील करन दी मंग कीती है। हरपाल चीमा ने कहा कि नशा मामले की एक रिपोर्ट पिछले लंबे समय पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट विच लफाफा बंद पई है जिस नूं खलवाउण लई पंजाब सरकार ने कोई कोशिश नहीं कीती। चीमा ने कहा कि एक निजी एडवोकेट ने हाई कोर्ट विच अपील दाखिल करके विशेष जांच टीम वालों दित्ती गई जांच रिपोर्ट ते सुनवाई करन दी मंग कीती सी पर हाई कोर्ट दे एक जज ने अपने आप नूं इस केस की सुनवाई तो वक कर लिया। यही कारण है कि करोड़ों रुपए के नशा मामले की सुनवाई विच लगातार देरी हो रही है। पंजाब सरकार ते मामले विच देरी करन दा इल्जाम लाउंदिया हरपाल सिंह चीमा ने मंग कीती है कि कांग्रेस सरकार इस मामले नूं सुप्रीम कोर्ट विच चुके तां जो इस मामले नूं पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट तों तब्दील करके किसी दूजे सूबे दी हाई कोर्ट विच सुनवाई होवे अते हो रही देरी तों बचिया जा सके। चीमा ने कहा कि इस तो पहला भी हाई कोर्ट के माणयोग जज इस मामले तो दूरी बना चुके ने जिस कारण कोई इस अदालत विच हल निकलदा दिखाई नहीं दे रहा। जेकर कैप्टन सरकार नशा मामले विच सुप्रीम कोर्ट विच पटीशन दाखिल नहीं करती ता साबित हो जाएगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद भी नशा सौदागरां ते उन्हां नूं सुरक्षा देने वाले लीडरां नाल मिले हुए ने। नशा तस्करां नूं लैके जिहड़ी रिपोर्ट माणयोग हाई कोर्ट दे विच पई आ पेंडिंग पई आ जिस नूं खलवाउण दा एक भी यतन पंजाब दी सरकार ने नहीं कीता, पंजाब सरकार ने नहीं कीता। उस नूं खलवाउण दे लई एक प्राइवेट एडवोकेट साहिबान ने उहदे लई यतन कीता, रिट पटीशन पाई आ, पर लेकिन साडे हाई कोर्ट दे माणयोग हाई कोर्ट दे जज साहिबान ने उस पटीशन दी सुनवाई करन तों अपने आप नूं बक कर लिया। सो मैं समझ रहा कि लगातार इस केस दी सुनवाई दे विच बेलोड़ी देरी हो रही आ क्योंकि उहनां नशा तस्करां दे बहुत वड्डे वड्डे पॉलिटिशियन नाल संबंध सीगे जिन्हां ने पंजाब दे नौजवानी नूं बर्बाद कीता, पंजाब नूं बर्बाद कीता। और यही कारण आ कि इस केस दे विच लगातार पंजाब सरकार भी डिले कर रही आ। सो साडी पंजाब सरकार नूं बेनती आ कि तुरंत इस केस दे नबेड़े दे लई मानयोग जिहड़े सुप्रीम कोर्ट दे विच रिट पटीशन फाइल कीती जावे, मानयोग सुप्रीम कोर्ट दे विच केस पाया जावे कि इह केस जिहड़ा पंजाब विच चलदा गा इस केस दी सुनवाई पंजाब दे पंजाब तो बाहरी किसी होर राज दी मानयोग अदालत दे विच इस केस दा निपटारा कीता जावे क्योंकि बहुत सारे लोकां दा नाम सीधे रूप दे विच असिधे रूप दे विच ड्रग तस्करां दे नाल नशा तस्करां दे नाल चाहे ओह पॉलिटिशियन ने या कोई वड्डे ब्यूरोक्रेट ने कि उहनां जुड़ रहा हैगा। सो इस लई साडी मंग आ गई कि इस केस दी सुनवाई जिहड़ी आ ओह पंजाब दी मानयोग हाई कोर्ट तो बाहर किसी होर हाई कोर्ट दे विच होवे और ओह जिहड़ी आ पटीशन जिहड़ी पंजाब सरकार नूं पाउणी चाहीदी आ ओह इह आ कि उत्थे समाबद्ध केस दा फैसला होवे तां कि जिहड़े शरेआम पंजाब विच नशा तस्कर घुम रहे ने जिहड़े उहनां नूं बचाउण वाले पॉलिटिशियन घुम रहे ने ओह जेलां विच जाण और पंजाब दीआं मामां नूं जिन्हां दे पुत चले गए, पंजाब दीआं भैणां नूं जिन्हां दे भरा चले गए, पंजाब दीआं उहनां औरतां नूं जिन्हां दे पति चले गए उहनां नूं इंसाफ मिल सके क्योंकि ओह दर दर भटक रहे ने इंसाफ लैण लई। पर लेकिन इस रिपोर्ट दे इह रिपोर्ट जिहड़ी ओपन ना होण दे कारण एसटीएफ दी रिपोर्ट ओपन दे ना होण दे कारण पेंडिंग पई होण दे कारण मैं समझदा इन्वेस्टिगेशन करन दे भी देरी हो रही आ और दोषियां नूं फड़न जिहड़ा हैगा फड़न तक ओह भी देरी हो रही आ। सो मेरी सनिमर बेनती आ पंजाब सरकार नूं कि तुरंत एक जिहड़ी पटीशन आ गई ओह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे विच दर्ज कीती जावे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तों मंगिया जावे कि इस पटीशन दी जिहड़ी सुनवाई आ और ओह पंजाब तों बाहर होणी चाहीदी तां कि पंजाब दे लोकां नूं इंसाफ मिल सके क्योंकि लगातार जिहड़ी आ बहुत देर हो रही आ। जेकर सरकार इह पटीशन नहीं पाउंदी तां इत्थे वी समझ आउंदागा कि कैप्टन साहब उहनां नशा तस्करां नूं पंजाब सरकार उहनां नशा तस्करां नूं या उहनां नाल संबंधित जिहड़े पॉलिटिशियन ने उहनां नूं बचा रही आ।